जय श्री राम। लेकिन कुछ कुछ मौलाना कह रहे हैं कि जान कुर्बान कर देंगे, मस्जिद को नहीं जाने देंगे, बाबरी दे चुके, ज्ञान वापी नहीं देंगे। हम बच्चे भी जान कुर्बान कर सकते हैं श्री राम के नाम पे, महादेव के नाम पर। आ जाए मौलाना, हम बात कर लेंगे। इनका कहना है कि ये इसी बात पे लड़ रहे हैं ना कि हमारी जो मस्जिद है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है, तो आप इसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारा जो मस्जिद वो मंदिर है वो 350 साल से पुराना है, तो आपने उसे तोड़ा ना, तो अब हम लोग भी तोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी जो ज्ञान वापी का जो मामला चल रहा है? बिल्कुल मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। औरंगजेब चाहे कुछ कर ले, हिंदू लोग कभी हार नहीं मानेंगे। हम अपना मंदिर लेकर रहेंगे। औरंगजेब ने 500 साल पहले हमारे 40 लाख मंदिर छीने थे, हम सिर्फ 3 मंदिर चाहते। अयोध्या हो गया है, काशी चल रहा है, कल आ जाएगा, बिल्कुल हमारा मंदिर बनेगा। और मथुरा का केस चालू है, वो भी हमारे हक में ही आएगा। अगर प्यार से 3 मंदिर नहीं मिला, फिर हिंदू लोग भी एक साथ होए और अपने 40 लाख मंदिर मांगे। और अगर ये 3 मंदिर प्यार से नहीं मिला तो फिर जागृत हो, ये वरना प्यार से आप दे दीजिए। 3 मंदिर तो मांग रहे हैं, ज़्यादा मांगे क्या? और आर्टिफिशियल की बात हुई तो मुस्लिम लोग ही जाते हैं ना मॉस्क्यू में, हिंदू लोग तो नहीं जाते। तो मुस्लिम लोग थोड़ा ना बनाएंगे शेषनाग, कमल का फूल, ये सब। और जो शिवलिंग मिला है तो पूरा प्रमाण है, अब वो फवारा कैसे होगा? उस टाइम का इलेक्ट्रिसिटी था क्या? था कुछ नहीं, तो सब झूठ है। सीधा सीधा प्रमाण है, 3 दीवार मॉस्क्यू का, पीछे का मंदिर कैसे हो सकता है? पीछे का मॉस्क्यू वाले थोड़ा बनाएंगे। बिल्कुल हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर हम लेके रहेंगे। जय श्री राम। लेकिन कुछ कुछ मौलाना कह रहे हैं कि जान कुर्बान कर देंगे, मस्जिद को नहीं जाने देंगे, बाबरी दे चुके, ज्ञान वापी नहीं देंगे। हम बच्चे भी जान कुर्बान कर सकते हैं श्री राम के नाम पे, महादेव के नाम पर। आ जाए मौलाना, हम बात कर लेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल मौलाना आए, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे लॉ के साथ। गवर्नमेंट पे भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हाँ, हमारी सरकार है, हमें इंसाफ मिलेगा। कुछ लोगों को कोर्ट पे भी भरोसा लेके तो नहीं जा रहे ना, हम कोर्ट के मतलब दौरे से जा रहे, तो हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। फवारा और शिवलिंग में जो लोग कह रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? फवारा तो मैं सीधा बोल रही हूँ, उस टाइम क्या इलेक्ट्रिसिटी था? उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी, और वो स्टोन है, वो कोई पानी का फवारा नहीं, कैसे से कर रहे तो हो रहा है, स्टोन है वो, तो वो हमारा शिवलिंग है, हम अपना काशी का मंदिर लेके रहेंगे। जय श्री राम। एक मान्यता है ना कि नंदी का मुंह जिधर होता है उधर शिवलिंग होती ही है, वो हम तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो अब हमारे नंदी का मुंह उधर है, वो तो हमारी बचपन से क्यूरियोसिटी थी ही, जब भी हम जाते थे हम देखते थे कि ऐसा क्यों है, जब मंदिर इधर है तो शिवलिंग नंदी का मुंह उस तरफ क्यों है? अब वो धीरे धीरे पता चल रहा है, अब आगे भी सब कुछ खुलासा होगा ही। और ये तो हमने भी पढ़ा है कि औरंगजेब ने कितनी क्षति पहुँचाई है हमारे इंडियन कल्चर को, अब उनका भी टाइम आया है, अब उनका भी जैसे हमारे साथ हुआ तब उनके साथ होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने कोई विध्वंस ही नहीं किया भारत के अंदर, तो उनसे कहिए पढ़े। हाँ। उनसे कहिए जाके इंडियन का, अभी जितना भी हमारा है मुगल का तो अभी है ही, अब हट रहा है हमारे हिस्ट्री से, लेकिन पहले तो था ही ना। उनसे कहिए पढ़े, सब पता चलेगा। लक्ष्मीकांत की हिस्ट्री में दिया हुआ है और वैसे भी बहुत जगह दिया हुआ है कि ये हुआ था और ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो उनसे कहिए जाके हिस्ट्री पढ़े, फिर बात करेंगे। कुछ लोग वर्तमान सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट पुलिस सब सरकार के हाथ में, सरकार जैसा चाहे ऐसा करा लेगी। तो सरकार गलत तो चाह नहीं रही है ना, और ऐसा नहीं कि कोर्ट और पुलिस सरकार के हाथ में नहीं। बाबरी मस्जिद का तो कब से था, हम लोग बचपन से देख रहे, कांग्रेस के टाइम से था, राजीव गांधी ने ताले तोड़वाए थे। हाँ। तब तो ये सरकार थी नहीं, तब ने भी तो हमें हम लोग करवाया ही था। तो इस तक ये समय होता है, सबका समय आता है, हमारा आया है, उनका बीत गया। मुस्लिमों का कहना है कि हम कुर्बान हो जाएंगे लेकिन मस्जिद को नहीं जाने देंगे। हम भी कुर्बान हो जाएंगे लेकिन मंदिर बन के रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो मुसलमानों को। उनसे कहिए हथियार उठा के कुछ होगा भी नहीं, अब जब संविधान में जो लिखा है वो होगा। हमने ये भी यहाँ पे ये भी तो है कि 100 साल पुराना जो भी इंडियन जो भी होता है, जब कोई धार्मिक स्थल अगर वो 100 साल पुराना है, इससे ज़्यादा पुराना है, तो आप उसे नहीं हटा सकते। लेकिन ये तो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, और इनका कहना है कि ये इसी बात पे लड़ रहे हैं ना कि हमारी जो मस्जिद है वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो आप इसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारा जो मस्जिद वो मंदिर है वो 350 साल से पुराना है, तो आपने उसे तोड़ा ना, तो अब हम लोग भी तोड़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश आस्था से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, और ये संविधान में दिया है कि हम इसको हटा सकते हैं, और हम हटेगा ये। हाँ। आपको लगता है कि ये हट जाएगा? जी, हटना चाहिए, और धीरे धीरे अगर सब कुछ ठीक रहा तो हटेगा ही। हाँ। जैसे हमारा राम मंदिर बना है वैसे ये भी बनेगा, और नहीं भी हटेगा, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हटे। पहले देखिए खुदाई के पहले हम इतने उसमें, जैसे जो मेरा अपना पर्सनल व्यू था कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ साथ साथ होता है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब खुदाई के बाद वहाँ पर मिला है, हमने खुद देखा है, और तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जब हमारा शिवलिंग है
तो उसे वहाँ बनना चाहिए, और जो ही नहीं कि हटे पूरा खत्म ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बस वजू खाना बदल दिया जाए, मंदिर भी रहे मस्जिद भी रहे, जैसे तब तक चला है वैसे अभी भी चलेगा। ये अपने आदेश में कहा कि जहाँ पे शिवलिंग मिला है उस जगह को बैन कर दिया जाए, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उन्हें इस पे भी आपत्ति है कि शिवलिंग वाली जगह बैन क्यों करते हैं। जी देखिए, मुस्लिम लोग हमेशा से कभी हमारे धर्म को बढ़ावा देना चाहते ही नहीं थे, हमने कभी इस्लाम को अपमानित नहीं किया है। यहाँ पे कितने जैसे मज़ार है जहाँ हिंदू भी जाते हैं, यहाँ एक राजघाट में चंदन शहीद है, वहाँ मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू जाते हैं गुरुवार के दिन। मैं वहीं पे कॉलेज है वहाँ से पढ़ी हूँ, हमने इवन हम खुद जाते थे गुरुवार को, लेकिन आप किसी मंदिर में कभी मुस्लिम को नहीं देखेंगे, मज़ार में आप हिंदू ज़रूर देख लेंगे। तो इसलिए उन्होंने कभी बढ़ावा देना चाहा ही नहीं है हमारे, और हमारा कहना है कि आप वजू खाना बस हटा दीजिए, बहुत बड़ा मस्जिद है, थोड़ी सी जगह हट जाने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक संविधान से चलेंगे और आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे तो कुछ गलत भी नहीं होगा, सही सब होगा। भाईचारे में खटास डाल रही है ये सरकार, ऐसा कहना कांग्रेस का भी है, समाजवादी पार्टी का? देखिए, हम पार्टी पे कुछ व्यू नहीं लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो आप भी जानते हैं यहाँ कितनी भ्रष्ट है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी हो। जी, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाजपा भी पूरी तरीके से ठीक ही है, ठीक है, उसने भी बहुत सी कमियाँ हैं, लेकिन ये जो कर रही है इसमें थोड़ा बहुत हमारा सपोर्ट है। आप एक महिला हैं, बनारस की हैं, श्रृंगार गौरी देवी के मंदिर से बात शुरू हुई थी, आपने कभी वहाँ पे पूजा की? नहीं, मैंने तो कभी गई नहीं। हाँ। मैंने जब इतनी मेरी एज हो गई मैंने कभी वहाँ नहीं गया, लेकिन सुना था, मेरे मम्मी दादी लोग बताती थी कि वहाँ पे मंदिर है, उस जमाने में वो लोग गई थी। हाँ। लेकिन अब हम चाहते हैं वहाँ जाना। हाँ। अब हम चाहते हैं कि वहाँ जाना, अगर ये बात सरकार तक पहुँचती है तो अच्छी है कि वहाँ हमारी मंदिर है और हमें मिलना चाहिए। बस कहना है कि कुछ भी हो जाए कुर्बान हो जाएंगे, मंदिर मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाएगा हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, हमारे बाबा हैं, हमारे हैं तो हमें चाहिए ही। काशी की पहचान किससे है? भोलेनाथ से। हाँ। हम काशी के हैं, हमारी पहचान है भोलेनाथ, हम कहीं भी जाते हैं बस इतने ही कहते हैं कि बनारस से आए हैं, उतने में हमारा तेवर अलग रहता है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब बढ़िया शासक था, अच्छा शासक था, कुछ लोग है वो बताने जो नहीं, पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है औरंगजेब ने क्या किया, अब हम क्या करेंगे वो भी दिखेगा सर, बताने की जरूरत नहीं है, हम बता के कुछ नहीं कर सकते। कैसे देखती हैं जो सारा मामला चल रहा है ज्ञान माफी को लेकर, हम सही है या गलत है? गलत है, एकदम गलत है। क्या बनना चाहिए आपकी मंदिर? हमारा मंदिर बनना चाहिए, भोले बाबा का मंदिर, हमारा काशी मंदिर बनना चाहिए, शंकर जी का काशी मंदिर बनना। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर नहीं बनने देंगे। नहीं, ये गलत है। हाँ। मस्जिद को हटा दिया जाए। हाँ। हमारे मंदिर को बनने दिया जाए, क्योंकि वहाँ हमारी मंदिर पहले से थी और आगे भी रहेगी, हमेशा भी रहेगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कुर्बान हो जाएंगे, मस्जिद को नहीं जाने देंगे। हम हिंदू कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद हटा के रहेंगे, काशी नहीं हटने देंगे, काशी नहीं हटने देंगे, हमारा हर हर काशी। शफीकुर रहमान बर्क हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि शिवलिंग जैसा साक्ष्य कोई मिला ही नहीं है। मिला है, हमारे शिव जी मिले हैं, हमारे गुरु मिले, और कौन मिलेगा? समाजवादी पार्टी के तो उनके पापा ने, जब राम जी का मंदिर बन रहा था तब उनके पापा ने मतलब गन चलवाई थी, तो बेटा भी वही है, मतलब मुस्लिम भाई का पक्ष ले रहे। अरे उनके पापा खड़े हैं कि योगी बाबा वो बनवाएंगे मंदिर। हाँ, ज्ञान वापी जैसे मुद्दे भाजपा जानबूझ कर करती है। ओ, अखिलेश ने उनके बाप बताया ना, उनके पापा ने, जब पापा की ही असर पड़ती है बेटे को। हाँ, तो वही है अखिलेश यादव को, पापा ने जब चलवा दी थी मतलब राम जी की, हाँ, भक्तों के ऊपर गोली, तो वही अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं कि हिंदू के ऊपर वो कर रहे हैं, तभी इस बार उनका पार्टी नहीं है ना, पार्टी उसमें 105। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, कह रहे हैं कि कोर्ट वोट सब सरकार का, वो सरकार के हाथ में है ना, उनको ऐसा लगता है तो सब कुछ सरकार है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान नाम ही ऐसा है कि हिंदू का है, ये हिंदू है बस बात। पक्ष का कहना है कि जितना हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है। उतना मुस्लिमों का नहीं, यहाँ रहना हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान बोलना पड़ेगा, भारत माता की उनको बोलना पड़ेगा, भारत माता गली गली में आएगा, राम बाबा आएगा, काशी में रह के हर हर महादेव बोलो। बंद कर दे, बंद कर, बोलिए सर। मुस्लिम सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग जैसा कोई साक्ष्य नहीं है, औरंगजेब ने कोई विध्वंस नहीं किया भारत के अंदर, हिंदुस्तान में हिंदू का ही चलेगा, हिंदुस्तान में हिंदू का ही चलेगा। हाँ। यहाँ गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, काशी विश्वनाथ में हर हर महादेव होगा तो हर हर महादेव होगा।
काशी की पहचान किस चीज से है? महादेव, महादेव से। ये महादेव के लिए फॉरेन से आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं महादेव से मिलने के लिए, और कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। गौरी देवी के मंदिर से बात शुरू हुई थी, आप गई हैं कभी अंदर? नहीं, अंदर कभी नहीं गए। कोई घर वाला आपके अंदर गया हो? नहीं, अभी हम लोग कभी हमारे घर से कोई नहीं गया। परसों भी हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आ रहे हैं। अब जो न्यायालय में जो मामला है, वो मामला सिर्फ श्रृंगार गौरी देवी के मंदिर को लेकर है, तो आप चाहती हैं कि वो मंदिर बने और हिंदू उसमें दोबारा से पूजा करें? हाँ, हमेशा श्रृंगार वो बने और वहाँ हम लोग दोबारा दर्शन करने जाएं, हम भी देखें वहाँ का दर्शन कैसा है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ पे मंदिर है और मुसलमानों का ये कहना है कि वहाँ पे मस्जिद है, क्या मानती है? नहीं, वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा हमेशा के लिए। वहाँ मंदिर था क्योंकि मुसलमानों ने मंदिर दबा दिया था, नीचे कर दिया मंदिर, और ये नहीं जानते कि हमारा जो मंदिर है वो शिव जी के लिए है, वो कभी दब नहीं सकता। क्योंकि यहाँ ज़्यादा करके हमारे जो है जैसे कि शंकर भगवान हो गए, हम लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, हद से ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। और यहाँ हम लोग रह के काशी नगर में उनको दबवा के हम लोग रखे, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से भाईचारा मिटता जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान लोग जब छिड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा हिंदू, अब क्या करेगा हमारे मोदी सरकार, क्या कर सकते हैं। जब मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको भी तो समझ रहना चाहिए। जब हम मस्जिद में जाके दर्शन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो वो भी लोग हमारे मंदिर में आके भगवान को माने, क्योंकि भगवान एक है, दो नहीं है, लेकिन वो दो बना के रखे हैं। हमारे भगवान को लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोग मानते हैं, दिल से सबको एक मानते हैं। जब ये लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ हमारा है, कहाँ से हमारा है? एक तो फरिया नहीं पाए, दूसरा भी नहीं फरिया पाओगे, और कितना जान लगाना लगा लो। कह तो रहे हैं कि सड़कों पे आ जाएंगे। अरे सड़कों पे आ जाएंगे, वो तो हम लोग भी सड़क पे तो पूरा नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ें अब पढ़ के दिखाएं बाबा, लेकर बुलडोजर घुस जाएंगे घर में। जो चार फीट में अपनी मकान बनाया ना, तो बाबा ऐसा है ना कि 4 फीट का मकान नीचे ले जाएगा। कितना हुई है अपनी जान लगा ले, कभी नहीं पाएंगे ये, क्योंकि ये हमारे महादेव का है, हम लोग महादेव के भक्त हैं, लेकर छोड़ेंगे चाहे किसी दम पे छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग महादेव के भक्त हैं। भैया हम ये कहेंगे ना भैया कि इनका कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है, तो ये अपनी नहीं समझ पा रहे, तो खाली बैठ के ये टुंगल कर रहे, और इनको कहे हम कि टुंगल मत कीजिए, आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या आप? हमारी जो चीज़ है उसको मानिए, सही चीज़ मानना चाहिए, और सही चीज़ जब दी गई है तो उसको तुम कहाँ से बाहर से आए हो क्या? मानोगे नहीं, ज़बरदस्ती करोगे, ये सब नहीं चलेगा भैया। कट्टर कट्टर हिंदुओं, कट्टर हिंदुओं, भारत माता की जय, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ महादेव की। सोशल मीडिया पे कई सारी बातें ऐसी वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब ये सरकार चली जाएगी तो आज जो ये कर रहे हैं, जो भी कोई कर रहा है, ये सब महंगा पड़ जाएगा सब। भैया एक चीज सुने, ये सरकार के वजह से नहीं, ये कोर्ट कचहरी चालू है, इसमें बकायदा एक एक चीज को जांच करके फिर निर्णय लिया जा रहा है और जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। कोई चीज हमारे और आपके मनगढ़ंत वाला काम यह नहीं है। जब ये अंदर गए सब, तो इतने दिन के रिसर्च में उन्होंने 3 दिन बाद में जब बाहर आए, तब वहाँ पे जब देखा वजू खाना है, हाथ धोने का, उसके नीचे जब शिवलिंग दिखा, तो वहाँ पे जो लोग दे, तो उन लोग ने हर हर महादेव का नारा लगा, और वो सब जन एकदम समर्थ थे कि भैया कमिश्नर जो गए साथ में, सब चीज़ सही से हुआ, अच्छे से हुआ। तो हम ये कहते भैया हमने तो कोई चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की ना, जो चीज़ है वो साफ चीज़ है, हम मान रहे, आप मानो, और सही चीज़ मानना ही पड़ेगा चाहे कोई भी रहो। हम तो यही कहते भैया सही चीज़ मानना ही पड़ेगा, अब भी मान लो ना, टाइम क्यों लेते, इतना टाइम क्यों लेते सही मानने में, सही मानने में इतना टाइम। वो ऐसी जो बोल रहे हैं ना, वो ऐसी बनारसियों के सामने अभी बच्चे हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं, वैसी ना तो वो बच्चे हैं, यहाँ के बनारस के बच्चे उनसे जीत सकते हैं, उनकी औकात नहीं है कि बनारस के बच्चों से जीत जाए। ये बनारस है, ये उनका हैदराबाद नहीं है।